नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक रिकॉर्ड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने डाटा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट डाटा हमारे सब के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और बहुत बार होता है कि कोई ऐप ऑटोमेटिकली डाटा को कंज्यूम करते रहता है, डाटा ख़त्म होते रहती है, हमारा MB जो है टोटल ख़त्म हो जाता है और हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर किस ऐप ने कितना डाटा लिया है। तो ऐसे में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और हमें टाइम टाइम पे मतलब भाई धोखा मिल जाता है। तो ऐसे में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अपने मोबाइल के डाटा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा भाई लोग, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो घंटी का बटन मिलेगा भाई, उसे भी दबा देना। तो चलिए, डाटा को कैसे कंट्रोल करना है, तो आपको इस डाटा ली एप्लीकेशन का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और इसे जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह से डाटा ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो डाटा को जब आप ऑन कर देते हैं तो आप जिस ऐप में जाके आप मान लीजिए इंटरनेट को चलाएंगे, मान लीजिए YouTube में अगर जो आप वीडियो चलाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी YouTube में इंटर किया और मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मैंने वीडियो प्ले किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर में मुझे एक पॉपअप होके एक YouTube का विंडो इस तरह से मिला है, और वहाँ पर नीचे जो है डाटा भी लिखाया हुआ है। तो ऐसे में आपका एक एक MB जो है वो काउंट होता है, तो आप जो है डाटा को कंट्रोल कर पाएंगे। अब चलिए, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा वीडियो देख लिया, मुझे डाटा को ब्लॉक करना है, तो डाटा कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर जो 8 MB ही मेरे पास डाटा था, तो अब यहाँ पे ब्लॉक करना है मुझे डाटा को और ये वीडियो पूरा देखना है, तो मैंने यहाँ पे उस पर क्लिक किया और यहाँ पे ब्लॉक डाटा आया, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं आगे अगर बढ़ाता हूँ वीडियो को तो एक भी MB जो है मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी देख सकते हैं, मैं जब पॉइंट पे पहुँच गया हूँ तो अब मेरा डाटा एक भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इस तरह से डाटा को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए, मुझे डाटा को अलाउ करना है, मतलब अब डाटा मुझे यूज करना है, तो उसी पॉपअप पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको अलाउ डाटा आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपका इंटरनेट जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई अगर फालतू ऐप आपका ऑटोमेटिक डाटा कंज्यूम कर रहा है तो आप इजीली तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हो और अपने डाटा को सेविंग कर सकते हो, और बाद में आप उसे यूज कर सकते हो। तो आपने, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये डाटा ली एप्लीकेशन जो है ऑफिशियली गूगल का है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि ये थर्ड पार्टी फालतू एप्लीकेशन है। तो आप इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में घंटी जो बटन मिलेगा उसे भी दबा दीजिए।